गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। पहला दिन हमारी राइड का आगरा टू ऋषिकेश बहुत अल्टीमेट राइड थी भाई। पूरा ब्लॉग एक बार चेक करो आप। हे गाइस, तो हाँ बन जाए ना, मेरे को पूरा सेंड कर देना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। तो गाइस हम लोग ना निकल रहे हैं, अर्पित भाई आए हैं हमसे हमें छोड़ने के लिए। बाकी का सारा सेटअप पूरा लाइनअप एकदम लगा हुआ है और अब लोग निकल रहे हैं आगे, है ना? तो चलिए मिलते हैं व्लॉग में आगे आपको। बाय बाय। भाई पेट्रोल फुल हो गया, गाड़ी ऊपर से निकल गई। चेक करो भाई, थोड़ी सी निकाल दो यार, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे दिक्कत है, गर्मी गर्मी है, फ्लूड गर्म हो रही है थोड़ी सी। किसी कुछ है पाइप पैक तो निकल जाए यार, देख लो ना तो कर देना यार। हाँ भाई, थोड़ी सी अगर हो जाए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बहुत दिक्कत है, गर्मी बहुत है भाई। गाड़ी में पेट्रोल डल गया, क्यों भी फुल से निकल गया भाई पेट्रोल। सुमित भाई, टंकी के ऊपर से पेट्रोल निकल गया हमारा। हेलो भैया, आपके में हो गया फ्यूल? हमारी तो टंकी के ऊपर से निकल गया, कट नहीं किया मशीन, मशीन ने कट नहीं किया। टंकी भर गई, ऊपर से निकल गई। फाइनली गाइस हरिद्वार पहुंच चुके हैं, चेक कर लो, व्यू चेक कर सकते हो आप इधर से सारी चीज़ें। सस्त अभी और पहाड़ दिखने लग गए, चेक कर सकते हो लोकेशन, चेक कर लो। हरिद्वार में हम लोग, तो हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं सीधा। फिर देखते हैं रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं यहाँ पे। फिर बाकी का आप व्यू लोकेशन चेक कर लो भाई। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, जैसे लड़का यार नहीं लोकेशन या फिर लास्ट टाइम हम आके यहीं आए थे, सतनाम साक्षी घाट। ये भगवान शिव की मूर्ति है ना, ये अपने भगवान शिव आराध्य अपने। फाइनली गाइज ऋषिकेश में हो चुकी है अपनी एंट्री। सो लक्ष्मण झूला के पास हमने जो लिया है रूम अपना, तो वहाँ हम लोग करेंगे स्टे। अलग ही मज़ा, अलग ही नशा, जो भी चीज़ है ना यार, यूके तो में एक अलग ही फील आता है भाई। I don't know.
का जो पानी आया था ना, तो एक बार पानी आया था यहाँ पे, पुल टूट गया था, यही वाला पुल टूट गया। भी नहीं पता चलता भाई यहाँ तो, ये पहाड़ काट काट के बनाए जाते हैं बस। भाई चेक कर लो यार, भाई देख रहे हो, अल्टीमेट मजा है भाई। लक्ष्मण झूला 11 किलोमीटर भाई, ये चेक कर लो भाई। रनिंग कर रहे हैं भाई लोग, भाई अब अल्टीमेट मजा आ रहा है यार। देख रहे हो भाई, जगह नहीं होती यार, सामने से अगर गाड़ी आ रही हो तो दूसरी मतलब दो गाड़ी आमने सामने आ जाए ना, तो भाई बहुत सोच के निकालनी पड़ती है ना। हमारी तो बाइकें हैं तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही यार, वरना भाई दो कार मेरे हिसाब से भाई आमने सामने आ गई ना, तो एक को साइड उतारनी पड़ेगी, एक को थोड़ा साइड दबानी पड़ेगी, तो बिल्कुल स्लो करके ही निकालनी पड़ेगी। चलो खैर, पहुँच के लक्ष्मण झूला पे फिर करते हैं आगे एक्सप्लोर अपना। आ चुके हैं राम झूला ऋषिकेश, व्यू देख सकते हो आप।